धर्म, आध्यात्मिक, संस्कृति और युद्ध की धरती से मानवता का संदेश देने वाली यह धरती कुरुक्षेत्र पर आज परम पूज्य बापू मुरारी बापू जी के और सभी संतों के सानिध्य में आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। एक ऐसा संयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। मैं परम पूज्य बाबूजी के चरणों में सशर नमन करता हूँ कि मुझे बार बार जब भी मैं मौका मिलता है मैं बापू के चरणों में और उनके मुख से अमृतवाणी सुनने का मुझे सौभाग्य मिलता है। और हमारे गीता मनीषी जिन्होंने इस गीता ज्ञान को, गीता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनका सहयोग किया, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि 9 दिन तक बापू की ये कथा हमारे नौजवानों को, हमारे देश के हर व्यक्ति को आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की ओर ले जाकर मानवता का संदेश देने का काम करेगी। पुनः बापू के चरणों में सस्त नमन, सभी साधु संतों के चरणों में सस्त नमन।